एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा कम जो कीमत है करेंसी की वो पाकिस्तानी रुपए की है, यानी हम नेपाल से भी हम नीचे आ गए हैं। और जो टारगेट सेट किया है वो 5,500 अरब का टारगेट सेट किया है, और अभी पिछला जो बजट डेफिसिट है वो भी एक रिकॉर्ड है। तो कहाँ से अपना जो है वो जिन आएंगे और वो ये हदफ जो है वो बजट का जो पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा है वो पूरा किया जाएगा। कॉन्फिडेंस जो होता है इन्वेस्टर का जब वो शैटर हो जाता है तो आप लाख जतन करें वो फिर वापस नहीं आता। मैं कहता हूँ कि रुपया जो है वो सबसे डरपोक चीज़ होता है। जब रुपए को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलती है, इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती है, तो रुपया भाग जाता है, छुप जाता है। आज देख लें आप एमनेस्टी स्कीम का, जो तक एमनेस्टी को गाली समझा करते थे, अभी मेरे ख्याल 8 दिन रह गए हैं, सिर्फ 250 लोगों ने जो है उसमें हिस्सा लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून। हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस बारे में आपको आगे चलकर भी अपडेट करेंगे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। गर्मियों में अक्सर मेरे पास पब्लिक न्यूज आवरली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क जोंग 4G। These headlines are brought to you by live telecast of Cricket World Cup 2019 on PTV Sports and खूबसूरती से क्या शर्माना। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मस्बत असरात सामने आने लगे। कतर पाकिस्तान को $3 अरब देने पर आमादा हो गया। कतर न्यूज एजेंसी के मुताबिक कतर पाकिस्तान में गैस और दीगर शोबों में सरमायाकारी करने लगेगा। अगले माह में पाकिस्तान IMF के $6 अरब के मुआशी प्रोग्राम में भी शामिल हो जाएगा। कतर पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तालुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अमीर कतर पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ट्वीट में अमीर कतर का सरमायाकारी करने पर शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान से मीर हासिल बजंजो की मुलाकात, APC के एजेंडे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, असवंद यार वली, महमूद अशदजई से टेलीफोनिक राबता, APC में शिरकत की दावत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुध को इस्लामाबाद में होगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी, 34,450 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 17 पैसे महंगा, 157 रुपए में फरोख्त होने लगा। आज पूरा पाकिस्तान महंगाई में सुलग रहा है। मिनी बजट में आवाम को सब्ज बाग दिखाए गए। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा हुकूमत ने तालीम सेहत का आधा बजट क्यों किया। वज़ीरे आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए फंड्स क्यों नहीं मुख्तस किए गए। बजट इजलास में सिर्फ इल्जाम तराशियों पर बात हो रही है। मुल्क में एहतसाब के नाम पर कानून को रोंदा जा रहा है। हिना रबानी घर का असेंबली में इजहार ख्याल, वज़ीरे मुमलिकत शहरयार आफरीदी बोले, अपने कायदीन से पूछें इतना पैसा आया कहां से। पंजाब में थानों के बुरे हालात हैं, इमरान खान ने हिसाब दिया, इंशाल्लाह इमरान खान मकसद में कामयाब होंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरियाल तालपुर की अदालत पेशी, अदालत ने 14 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। दोबारा 9 जुलाई को पेश करने का हुक्म। PTI ने फरियाल तालपुर की नाहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी।
بجٹ سیشن پر وزیراعظم نے پارٹی کا پارلیمانی اجلاس کل طلب کر لیا. بجٹ منظوری سے متعلق ارکان کو اعتماد کے بارے میں حکمت عملی طے کی جائے گی. قومی اسمبلی اجلاس ڈیپٹی اسپیکر کی زیر صدارت جاری. بجٹ پر گرما گرم بحث کا آغاز. آصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے. سلیکٹڈ وزیراعظم کہنے پر ایوان میں پابندی لگائی گئی ہے. صحافی کا سوال, معاملے پر ارکان سے مشاورت کریں گے. آصف زرداری کا جواب. منتخب وزیراعظم کو سلیکٹڈ کہنا ناانصافی ہے. تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ریلوے کے کرایوں میں اضافہ کیا. وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. کہا عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں. قومی اداروں کو بہتری کی جانب گامزن کر کے رہیں گے. ملکی سیاست میں لفظ سلیکٹڈ کی گونج. مریم نواز کا تنزیہ ٹویٹ. کہا خبردار کسی نے سلیکٹڈ کہا تو شیری رحمان بولی سلیکٹڈ لفظ عمران خان کی پہچان بن گیا. سلیکٹڈ کہنا وزیراعظم نہیں ایوان کی توہین ہے. مولانا نے اپنے دکھ درد کے لیے اے پی سی بلائی ہے. فردوس عاشق اوان کا کرارا جواب. نئی میڈیا ایڈورٹائزنگ پالیسی لا رہے ہیں. اور کرکٹ کے میگا ایونٹ میں بنگلہ دیش اور افغانستان مد مقابل. بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری. قومی ٹیم کو سیمی فائنل کی دوڑ تک پہنچنے کے لیے اگر مگر کی صورتحال کا سامنا.